राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिश ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली में ग्रैप का पहला चरण लागू हो चुका है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक के बाद आतिशी ने कहा कि पिछले दो दिन से राजधानी में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते राजधानी में ग्रैप वन लागू कर दिया गया है। बता दें कि ग्रैप के लागू होने के बाद हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली सरकार के सभी विभाग के आला अधिकारी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद थे। आतिशी ने कहा कि ये ग्रैप लागू होने के बाद जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन्हें रिव्यू किया गया है। सरकार की तरफ से 99 टीमों का गठन किया गया। ये टीम सुनिश्चित करेंगी कि ग्रैप के नियमों का सख्ती से पालन हो। इन टीम का मुख्य उद्देश्य कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल की जा रही है या नहीं, इसको देखना होगा। दो दिन में पुअर एक्यूआई होने से कल शाम से ग्रैप वन के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली मेट्रो, एनएचएआई, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इम्पोर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप वन की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। आतिश ने आगे ये भी बताया कि दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ता है तो स्मॉग गन भी लगाई जाती है। स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। इस बार भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से 200 स्मॉग गन लगाई जाएंगी। ये स्मॉग गन उन क्षेत्रों में लगाई जाएगी जहां पर प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर है। एमसीडी भी 30 स्मॉग गन लगाएगी। जो सड़कों पे डस्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्मॉग गन्स इस सीजन में लगाई जाती है। तो आज की मीटिंग में जो डायरेक्शन दी गई है उसमें पीडब्ल्यूडी 200 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेगा। ये 200 स्मॉग गन्स डिप्लॉय होंगी पीडब्ल्यूडी की रोड्स पर और जो मेजर पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर डीएमआरसी 80 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा। इसमें से कुछ स्टैटिक होंगी, कुछ मोबाइल होंगी। ये डीएमआरसी की कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वहां पे यूज होंगी। एमसीडी 30 एंटी स्मॉग गन्स डिप्लॉय करेगा और एनसीआरटीसी जो आरआरटीएस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो 14 स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करेंगे। आतिशी ने यह भी कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस से भी सहायता ली जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है कि जिन एरियाज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है उसे चिन्हित किया जाए और वहां पर कोशिश की जाए कि वहां ट्रैफिक जाम ना लगे। इन जगह पर अगर दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के होमगार्ड की आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली सरकार इसके लिए भी तैयार है। ज्यादा ट्रैफिक रोड्स पे होता है और काफी ट्रैफिक जाम पिछले 3-4 दिन से भी होना शुरू हो गया है। तो कौन कौन से ट्रैफिक जाम की लोकेशंस हैं उनको ट्रैफिक पुलिस आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल करेगी। इन एडिशन कल तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अगर दिल्ली सरकार के होमगार्ड्स की जरूरत है तो कल तक वो उनका रिक्विजिशन भेजेंगे और दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिक जाम हॉटस्पॉट्स पर होमगार्ड्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा कि प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और स्थिति खराब हो रही है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाई लेवल बैठक की ताकि प्रदूषण के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा सके। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।